नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम केतन कालेब है। तो जैसा कि आज हम आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हैं और हम आज आपको दिखाते हैं मेरा तालाब में क्या स्थिति है। रात में पानी बहुत ज़बरदस्त गिरा है और यही देखना है कि सारा पानी ज़मीन सोख लिया कि पानी कुछ बचा हुआ है। तो चलते हैं फटाफट। तो मेरा तो जैसा कि दोस्तों आज मेरा जाने का मन था, दो वो तालाब में विजिट करने का मन था। एक तालाब से मछली निकल रहा था, उसका हमको दिखाना था कि किस किस साइज में बढ़ा है। तो वहाँ पर हम नहीं जा सके। वहाँ पर हालात ये है कि लॉकडाउन के चलते मार्केट लग नहीं रहा है और मार्केट नहीं लगने के चलते वो क्या बोलते हैं, मछली नहीं निकाला गया। 50-60 किलो मछली निकलता और उसको बाजार में बेचा जाता, लेकिन वैसा आज नहीं हुआ। और दूसरा तालाब में जाने वाले थे, वहाँ एक जगदीश उराव जी का तालाब है, वहाँ पर भी बात किए थे कि भाई हम आएंगे, हमको मछली 1-2 किलो चाहिए। तो यहाँ पर तो शुरुआत तो बहुत अच्छा है। यहाँ बगल में पानी भरा हुआ है, ये देख लीजिए, ये इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ का अच्छा हमको व्यू लग रहा है। ये ऐसा ही अगर रिजल्ट मेरा तालाब का भी मिल जाए तो अच्छा है, बहुत हमको खुशी लगेगा। काहे कि मई का महीना है और आज किसी 20 तारीख के आसपास में हो गया है। आज 20 तारीख हो गया है तो उम्मीद करते हैं कि 15 जून तक मेरा तालाब में पानी भर जाएगा। तो पानी भर जाएगा तो अच्छा हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। हमको बस पिछला बार हुआ कहा था कि हम अगस्त में मछली डाले थे, जिसके चलते मेरा 2 महीना का समय बर्बाद हो गया। तो हम इस बार सोचे हैं कि शुरुआत में ही मछली डालेंगे, मैं शुरुआत में ही जून में ही मछली डाल दें ताकि दिसंबर तक में 6 महीना हो जाए और उधर जो जनवरी और फरवरी का जो महीना रहेगा उसमें मेरा आधा काम हो जाएगा। आधा मतलब 2 महीना हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जितना मछली ग्रोथ लेना होगा ले सकता है, ग्रोथ मतलब थोड़ा सा मान के चलिए 25 ग्राम 50 ग्राम भी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो मेरे लिए बढ़िया है। और ऐसे दिसंबर का महीना के बाद मछली का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि दिसंबर के आसपास में ठंडा स्टार्ट हो जाता है, तो उधर मेरा मछली का ग्रोथ होगा नहीं। तो अब हम अपना तालाब के आसपास में पहुंच ही गए हैं। फ्रंट वाला कैमरा ऑन करते हैं अब। तो कैसा अभी हमको सरप्राइज मिलने वाला है कि क्या स्थिति है। स्थिति तो काफी बेकार है। हम तो सोचे थे कि पानी होगा, लेकिन पानी के नाम पे यहाँ कुछ है ही नहीं। थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आया, पानी आया है, लेकिन पानी ठहरा नहीं है। आप देख सकते हैं इधर से पानी आया है, इतना गड्ढा सड्ढा किया है, इधर से इतना दूर गया है, ये वाला भी भरा हुआ होगा और इधर ये पूरा गीला है, लेकिन पानी रुका नहीं। क्या कि गर्मी का मौसम है ना, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लगभग हमारे हिसाब से आप मिट्टी को देख के अंदाज लगा सकते हैं ये वाला पूरा गड्ढा भर गया होगा, लेकिन दिन भर में सूख गया। ये पूरा गिल्ला है, अभी तो ऐसा ही होगा जब तक हम लोग के तरफ अगस्त का महीना जो होता है ना उसी में पानी टिकता है। लेकिन हमको तो उम्मीद है कि तालाब में पानी कुछ न कुछ
हुआ। ये देख लीजिए पूरा रुका नहीं पानी, ये पूरा गिल्ला तो हो गया है लेकिन पानी रुका नहीं। खैर अभी समय लगेगा, हमको तो लगा कि रुक जाएगा लेकिन नहीं रुका, काहे कि जमीन बहुत दिन से सूखा हुआ था ना, इसके चलते पूरा पानी जमीन सोख लिया। अभी एक दो दिन फिर मौसम विभाग बोला है कि पानी आएगा। तो यही है दोस्तों मेरा तालाब, फिर से एक बार पूरा व्यू आप देख लीजिए। ये 100x100 का तालाब है, पिछला बार हमने इसमें तलापिया मछली डाला था, हम लोग के तरफ उसको कवई भी बोलते हैं। इस तालाब का कैपेसिटी तो बहुत है मछली का, लेकिन अभी हम रिस्क लेने के मूड में नहीं है। मूड में इसलिए नहीं है कहे कि मेरा जो काम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि हम इसमें समय नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं इसमें देख रेख करना और समय देना मछली को। यही है दोस्तों मेरा तालाब, इसमें मात्र 2 महीना के अंदर में मछली डलाएगा, और हम आपको बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे कि इसका क्या स्थिति है। आज तो मेरा 2 जगह प्लान था, लेकिन लॉकडाउन झारखंड में ऐसा लगा हुआ है ना कि ई पास मांगा जा रहा है, जब तक ई पास नहीं है तब तक कुछ नहीं है, पकड़ लेगा तो झूठ मूठ का फाइन टाइम कर देगा। और अभी घूमना फिरना एकदम अच्छा भी नहीं है, अच्छा इसलिए नहीं है कि कोरोना महामारी, अभी तो नया वेरिएंट सुने हैं सिंगापुर वेरिएंट नया आया जो कि बच्चा लोग के लिए है। मेरा तो दिल रो गया जब सुने कि उत्तराखंड में 21,000 बच्चा लोग पॉजिटिव हो गया, हमारा तो सुन के दिमाग खराब हो गया कि कल का न्यूज है, कल का न्यूज में हम देख रहे थे तो पॉजिटिव है। सोच लीजिए दोस्तों बच्चा का अगर स्थिति खराब होगा तो समझ लीजिए पूरा दुनिया हिल जाएगा। दोस्तों आप लोग भी टीका उका लगवा लीजिए, टीका उका लगवा लीजिए और अपने आप में सुरक्षित रहिए, बिंदास रहिए। हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेते आएंगे, तब तक के लिए बाय। और इसमें बहुत जल्द आप लोग को मछली देखने के लिए मिलेगा, और हमको तो कुछ उम्मीद था कि इसमें पानी उनी ठहरा होगा, लेकिन वैसा बात नहीं है, अभी पानी सूख गया और वहाँ पर जो गड्ढा दिखाई दे उससे हमको और भी इच्छा हुआ कि नहीं कुछ होगा तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो समय है, पूरा जून बाकी है, जून से सितंबर तक हमारे यहाँ पानी होता है, और सितंबर का जो महीना होता है उसमें हथिया पानी बरसता है। तो वीडियो में यहीं समाप्त करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाला समय में मुर्गी पालन पर बहुत ज़बरदस्त वीडियो हम बनाने वाले हैं, और मुर्गी पालन, बत्तख पालन और बटेर पालन ये सब जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ये सब का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, 90% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो उनसे विशेष निवेदन है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।